देखिए जी, मैं तो बांग्लादेश के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, मैं तो बांग्लादेश के साथ खड़ा हूँ। बकवास बंद। बांग्लादेश आपके साथ खड़ा हूँ मैं, एज ए शुएब अख्तर। आप हराइए और 10 विक्टरों से हराइए इंडिया को। अब ले लो, नागिन डांस करवाऊँ तुमसे, बजाऊँ नागिन डांस, चालू किया जाए म्यूजिक। टीम इंडिया स्पिनिंग जो है वो आज हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को घुसा दिया। इंडिया जो है वो मजबूत टीम है, उनसे तो मजबूत टीमों का पाला पड़े तो उनको ब्रेक लगा देते हैं। पापा पापा होते हैं क्रिकेट के, और बाप जो इस टाइम है वो इंडिया क्रिकेट टीम है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पकड़ के बजा दिया बांग्लादेश को इंडिया ने। सुनते जाइए क्यों मैं बांग्लादेश हूँ। करो नागिन डांस, करो करो। यार इंडिया ना वो ट्रक बन चुका है जिसकी ब्रेकें फेल है, और T20 वर्ल्ड कप में फाड़ता हुआ फाइनल तक जा रहा है, ठीक है ना। वाह भाई वाह। आज की जीत के साथ इंडिया की टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर। भारत को अब बीट करना जो है ये बहुत बड़ा एक एक मैच खेलना पड़ेगा टीम को हराने के लिए भारत को, और नहीं तो क्या। सारी बेसिस कवर करके खेल रहे हैं, इनका पूरा एक प्लान है कि पावर प्ले ऐसे खेलना है, मिडिल ओवर्स में हमने ऐसे बैटिंग करनी है, फिर फिनिश किस तरीके से उसको करना है। इवन जब डिफेंड करने भी आते हैं तो उनकी सारी बेसिस कवर है बॉलिंग में, कब क्या करना है, किस फेज में क्या करना है। वैसे तो बांग्लादेश भारत का पोता है, लेकिन पोते की भी कभी कभी पीपनी बजा देनी चाहिए, और वो बजा दी। बड़ा खुश होते थे, नागिन डांस नागिन डांस। अब कर लो सालो नागिन डांस बिल में घुस के। और किसके बिल में घुसोगे, मैं तो बोलती हूँ फिजा खलीफा के बिल में घुस जाओ। हलवा खाएं और सो जाएं। यार ये तो कुछ ज्यादा हो। वो आगे इंडिया की टीम है, कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान न्यूजीलैंड वगैरह की टीम नहीं है, वो इंडिया की टीम है। वो इस टाइम देखे वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारी, उन्होंने रिकॉर्ड बना चुके हैं हमें इस टाइम तो अपना वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारने का, और मुझे लगता है उन्होंने रिकॉर्ड बना देना वर्ल्ड कप में कोई मैच ना हारने का। वर्ल्ड कप फाइनल तक जाएंगे, ये ऐसे फाइनल तक ऐसे ही जाएंगे, उन्होंने रिकॉर्ड बना देना है कि ऐसा वर्ल्ड कप टीम जीती है, कोई मैच नहीं हार के। देखो इंडिया ने आज बांग्लादेश को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। भारतीय टीम ने आज बांग्लादेशों का जो नागिन डांस था ना, आज पूरा बल सहित निकाल दिया। सुनते जाइए। मतलब ये जो बैटिंग की है बांग्लादेश ने, इसको T20 की बैटिंग कहते हैं, टिपिकली टट्टी की है भाई। आप लोग डरे उस वक्त से जब इंडिया ये हाल ऑस्ट्रेलिया का भी करेगा सुपर एट में। हाँ भाई हाँ। बांग्लादेशों की कर दी टाइम टाइम फेस। नहीं होता मच्छर को कंधे पे बैठे, मच्छर को ऐसे मार के भगा दे। सुनते जाइए। यहाँ में पहले नजर आ रहा था कि भाई बांग्लादेशियों को कोई उम्मीद नहीं है कि हम इंडिया से जीत पाएंगे। ये तो घंटे से भी पूरा खेले हैं, ये तो घंटे से भी पूरा खेले हैं। जो इंडिया की टीम है सब छोड़ने वाली नहीं है, और रो रहे हैं बांग्लादेश वाले, उनके साथ इज्तमाई ज्यादती हुई है, इज्तमाई ज्यादती नहीं सकते, कमरे में बंद करके बत्ती बंद करके भाई उनकी ली है इंडिया ने। आज अभी तक मैंने वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस ना कभी देखी है, बेशक ऑस्ट्रेलिया 5 वर्ल्ड कप लेके गया हो, 10 भी लेके गया हो, ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाए तो मजा है ना। तो हमारी क्रिकेट टीम में वो दमखम है कि अच्छे अच्छे की पुंगी बजा देता है। उन्होंने बांग्लादेश का जो हाल किया है, मतलब मुझे लग रहा है कोई क्लब लेवल की टीम खेल रही है। कांग्रेचुलेशन भाई हिंदुस्तान को। थैंक्स। देखें बांग्लादेश इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, बांग्लादेश वालों को बात समझ नहीं आ रही, नजर ही नहीं आ रही उनको। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। बैटिंग जबरदस्त, बॉलिंग जबरदस्त, फील्डिंग बहुत अच्छी, और क्वालिटी भी, और अगल से खेलना भी, और क्लास भी, और ये काम बॉलिंग में, तो फिर बांग्लादेश के लिए मुश्किल ही चैलेंज होना था, और नहीं तो क्या। मैंने बात नोट कर लें, इंडिया जो है अनबीटेबल। क्या अनबीटेबल? क्या बोला? अनबीटेबल गवार। अनबीटन जो है ना, ये वर्ल्ड कप जीत रही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। इंडिया ने आके पूरी दुनिया की टीमों को ये बता दिया है कि वी आर रेडी फॉर द वर्ल्ड कप। यस यस यस। बिल्कुल मैम, आज इंडिया ने जो है अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए कि हम इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है टीमों का क्या हाल करने जा रहे हैं। शाबाश। और मैं बस यही कामना करती हूँ कि हमारी जो टीम है वो वर्ल्ड कप जीते। तो सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। और हाँ, ये जय माता दी से भी पाकिस्तानियों को तकलीफ होनी चाहिए, इतनी जय माता दी बुलवा दो। यो यो किट्टू भाई, आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच रहा, क्या कहेंगे आज की शानदार कामयाबी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है।
और आज भारत की बैटिंग की बात की जाए तो भारत की बैटिंग में आज सारे बैट्समैनों ने भारतीय लोगों को रोमांचित करके रखा, खास तौर से हार्दिक पांड्या ने। और शुभम दुबे की बात करूं तो शुभम दुबे में तो मेरे को है ना युवराज सिंह नजर आता है, पता नहीं क्यों मुझे नजर आता है, आप लोगों को भी आता है कमेंट सेक्शन में बता देना। और रही बात हमारे 360 सूर्या की, तो आज सूर्या भाई का दिन नहीं था, खैर कोई बात नहीं, आज मुझे किसी से भी कोई नाराजगी नहीं। हमारे रोहित भाई भी अच्छा खेले, ओपनिंग अच्छी हुई, विराट कोहली भी बहुत शानदार खेले, वो आगे तक नहीं ले जा पाए, खैर कोई बात नहीं, चलता है इतना तो यार। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मैच देखने के बाद में बहुत 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 मजा आया, और यही मजा हमको वर्ल्ड कप तक लेना है। जब तक हमारे हाथ में ट्रॉफी नहीं आ जाती तब तक हिंदुस्तान की टीम को ऐसे ही मशक्कत करनी पड़ेगी, चाल लगानी पड़ेगी। okay. पता नहीं लगा मेरी टीम के साथ क्या हुआ, पर इंडिया वर्ल्ड कप से पहले फेवरेट आ रही थी और प्रूव भी करेंगे वो कितने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। जी बिल्कुल, ऐसे ही इंडिया फेवरेट आ रही, शुरू से ही फेवरेट आ रही है, वो उन्होंने लूज नहीं किया अपनी परफॉर्मेंस को, देखें वर्ल्ड कप में कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट रखी है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, तो वो मुझे लगता है ऐसे ही परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट लेके चलेंगे और जीतते जाएंगे जैसे वो जीतते आ रहे हैं। असल में ना उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए टीम बड़ी अच्छी बनाई है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चार्मिंग जो बात लगती है ना, टीम उन्होंने तैयार किया वर्ल्ड कप, ये पता लग रहा है यार कोई टीम तैयार हुई है, स्पिन अटैक बहुत आला है, फास्ट अटैक बहुत आला है, बैटिंग बहुत आला है, हर पिच के लिहाज से उन्होंने अपनी टीम रेडी रखी है। उनकी बैटिंग लाइन ऐसे जैसे कि दीवारें खड़ी होती है, आउट ही नहीं होते यार। जी बिल्कुल ऐसी है, बैटिंग लाइन ऐसे दीवारें खड़ी होती हैं, उनके बॉलर भी चल जाते हैं यार, उनके छठे सातवें नंबर तक बैटिंग ऐसी है जो टिक के सेंचुरियां मार सकती है। ये बांग्लादेशी भी बहुत बड़े बोले हैं कि अभी इनकी बंगाली बोलते हैं तो ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है अपने को, लेकिन ये बांग्लादेशियों ने भी अगर आपको पता हो तो एक बार विराट कोहली की मुंडी काट के फोटो लेरा दी थी, नागिन डांस किया था भारत को हराने के बाद में, है तो ये पाकिस्तान की जी औलाद ना, पाकिस्तान हमारी औलाद है, बांग्लादेश हमारा नालायक पोता है, तो बांग्लादेशी हो तुम पाकिस्तान की तरह गाली मत देके जाना, मुझे पता है बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देखते हैं। इंडिया की टीम की बात की जाए इस वर्ल्ड कप में, जैसे उन्होंने इंप्रूवमेंट अपनी बॉलिंग में लाया, फील्डिंग में लाया। अच्छा मैं तो कहता हूँ कि इंडिया वालों खुशकिस्मत हो यार, तुम लोग ये विनिंग कभी लाइफ टाइम भूल ही नहीं सकोगे। बांग्लादेश का पकड़ के बंगाली डांस निकाल दिया उन्होंने बेटा, नागिन डांस की अंदर बजा दिया, पकड़ के ना बांग्लादेश के हो गए, बांग्लादेश को उनका माई बाप दादा जो है ना वो जो कब्रों में पड़े हैं वो याद आ गए बांग्लादेश को। इंडिया ने जो है ना अपना राइवल आते साथ ही अनाउंस कर दिया कि भाई इंडिया क्या है, बहुत बढ़िया टीमों को आपने वार्न कर दिया, आपने सबको ये बता दिया कि भाई इस साल हम वर्ल्ड कप जीतने आए हैं और जीत के जाएंगे। ओके हमने ये नहीं देखना कि हम कितने जीते हैं कितने हारे हैं, हमने फाइनल जीत के जाना है और हम इस बार फाइनल जीतने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लग रहे हैं। यार आप मुझे बताओ, आपने भी मैच देखा होगा, अब मेरा बोबसी भी देख रहा होगा मैच, मेरे बोबसी ने भी मैच देखा होगा, लिटरली कसम उठा के तो मैं बोलता नहीं करके दिखाता हूँ, करके नहीं दिखाता फिर कुछ भी नहीं करता। मेरा बोबजी भी मैच देख रहा होगा और मेरा बोबजी ना उधर सोफे पे इस तरह करके बैठा होगा, इस तरह करके। एशिया कप से लेके अभी तक हर टीम को इंडिया ने हमोशी करवाया और जिस तरह परफॉर्म करता है इंडिया, हर टीम डरती है इंडिया के साथ खेलने से। आज जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, आज तो बड़े मजाक के साथ खेल रहे थे, कोई सीरियस लग नहीं रहा था कि यार इंडिया वाले खेल रहे हैं। जो इंडिया की टीम है इस बार छोड़ने वाली नहीं है, छोड़े वो वर्ल्ड कप गुजर गया, एशिया कप गुजर गया, क्या स्ट्रीकें बनी क्या नहीं, इस सब पता चलना कि हुआ क्या असल में। बांग्लादेश ने अपने 6 से 8 बॉलर्स, उन्होंने भी बॉलर्स को अपनी फुल आज मंजन कराया, फिर ये कि इंडिया ने भी खास तौर पे कराया, मगर इंडिया का एक फर्क जो मैंने अभी देखा था आसमानी किताब पे क्रिकेट की जो है उसके ऊपर मैंने देखा कि पाकिस्तान का मैच देखें ना अगर हम, तो हमें ये लगता है कि बस हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया का मैच हम टाइम निकाल के देखते हैं, बस सिंपल से बात। ये क्या बात करते हैं, क्रेज है इंडियन क्रिकेट को देखने का। इंडियन क्रिकेट को छोड़े, हमें विराट कोहली को ना, विराट कोहली की एक ऐसी मोमेंट बन चुकी है जैसे पहले वो हमारे बुजुर्गों में ना शाहिद अफरीदी की होती थी, हालांकि उसने कभी किसी मैच में चलना था, कभी मैं किसी में नहीं चलना था, अब इस बंदे का ये लेवल आ चुका है कि ये कोई मैच छोड़ते ही नहीं है, अंडर प्रेशर इतना अच्छा खेलता है, जितना अंडर प्रेशर होता है ये उतना और अच्छा खेलता है, इस बंदे मतलब प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेता है भाई, इस पता ही नहीं चलता हमें, तो जब ये खेलता है तो हमें तो ये फील आती है कि इंडिया वन साइडेड जीत रहा है, ऐसे खेलता है ये कि इंडिया जैसे वन साइडेड जीत रहा है, हालांकि इधर किसी भी टीम का और कोई भी प्लेयर हो, कोई भी और कैप्टन हो जो मीडिया पे ये बोलता हो कि मैं ग्राउंड में दिखाऊंगा और ना उसे कुछ नहीं होता, तो उनकी बस बातें ही होती हैं, लेकिन इस बंदे का ना लेवल है, इस बंदे का ना एक्स मैक्स प्रो लेवल है यार, एंड कर दिया इस बंदे ने। ठीक है जी, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।